गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। नरेंद्र के साथ शुरुआत के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत आज ही हॉस्पिटल से हो रही है। तो अभी बुआ आ गए हैं, बुआ और कन्नू पहुँच गए हैं, बाकी हमने घर निकलना है। और राहुल कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता घर से आया हुआ आज। और नाश्ते में है सब्जी की चीज की, तोरी और आलू की सब्जी है, साथ में रोटी, साथ में है छाछ। तो अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, मैं कहा मैं तो घर जाके करूँगी, इनको करने देते हैं, फिर निकलते हैं, उसके बाद हम घर। तो कल आते हम, ठीक है? अब मैं ध्यान रखना, ठीक है दादा? ठीक है, बाय बाय करो पहले, बाय। चलो भैया, चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और घर में बहुत सारे काम है अभी, तो घर में भी जो काम सुना आजकल ना, आजकल तो जहाँ देखो काम वाम ही काम 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 बस। तो बुआ और पहुँच जाते टाइम पे, तो हम लोग भी निकल जाते हैं टाइम पे घर। और दूर भी वो पूरा सारे लगा होगा ना वो अब बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे उसको आदत पड़ रही है। वो कैसे करते मेरे पास ही रहते हैं, पहले वो सबके पास रह जाता था ना, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको मम्मा चाहिए बस, 24 घंटे मम्मा लगा रहता है। व्लॉग में देखा भी होगा, 24 घंटे मेरे पास आता रहता है, मेरे पाँव को पकड़ के खड़ा हो जाता है। मैं किचन में भी कुछ कर रही हूँ या मैं बाहर भी कुछ कर रही हूँ, उसको पाँव पकड़ के खड़ा हो जाता है बस। आइसक्रीम अपनी खा के तो पेट भरता नहीं है ये। अब इंता भी तुम खाओ। नहीं नहीं फिर खाओ ना, प्लीज यार प्लीज। मैं चलो एक एक लास्ट पक्का। मैं पता हूँ, मैं एंड करता हूँ, मैं खुद खिलाऊंगी। हाथ मत कर। खुद खा लो इसको, मैं नहीं खा रही। मैं नहीं खाऊंगी। कि आपको पता है कि मैं देहरादून गई हुई थी अभी हाल में ही, अपने पहाड़ों से थोड़ा सा शहर की, और वहाँ पे मेरे फेस पे एक्ने हो गए थे जिसके कारण डार्क स्पॉट्स रह गए हैं। और चलो थोड़ा सा इस भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा एक काम किया जाए, अपने फेस पे ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा आपको बताया जाए कि मैं क्या फॉलो करती हूँ अपने फेस के लिए। देखो भाई, आजकल मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं इस चीज़ के लिए कि मैं होम रेमेडी करूँ, लेकिन मेरे फेस पे जो एक्ने है डार्क स्पॉट, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने इसका एक इजी और इफेक्टिव सोल्यूशन निकाला है। मैं लगाती हूँ एक सीरम यूज करती हूँ जो कि डार्क स्पॉट को रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। यह है हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियर एंड टर्मरिक फेस सीरम विद 100% टर्मरिक, 10% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 2% नाइसिनमाइड के साथ। इस फेस सीरम को आपको अपने फेस पे 2 से 4 बूंदे डालनी है, उसके बाद अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद आप अपने फेस पे कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, उसके बाद अपना डेली वर्क स्टार्ट कर सकते हो बिना फेस के टेंशन के। ये काफी लाइट वेट है और जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है कि 7 डेज में इसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट आपको नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और हिमालय वेबसाइट पर मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपको चाहिए फ्लैट 30% ऑफ, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। हम लोग आ गए थे और अभी राहुल जा रखे नहाने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो ठीक हो गया कि ध्रुवी सो रखे, हॉस्पिटल जाके एकदम से पकड़ भी नहीं सकते थे, ना धो के ही पकड़ना था और वो उठा रहा था, तो फिर वो रोता कि मुझे पकड़ नहीं रहे। ये भी ठीक हो गया कि वो सो रखा थोड़ी देर, तब तक ना धो के आते हैं पहले और फ़ोन लगा देती हूँ थोड़ी देर चार्ज पे। तो गाइस, नहाना धोना तो हो गया हमारा और अब मिलती हूँ मैं अपने बिट्टू से नीचे जाके। खाना भी बनी गया, बस खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं सारे, तो मैं भी चलती हूँ अब खाना खाने के लिए। गाइस, खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया, बर्तन वर्तन भी हो चुके हैं नीचे सुखाने के लिए डाले, बल्कि बाकी मम्मी वहाँ पे घास बांधने लग गई है। आजकल घास सुखाने के लिए रखी हुई है, जो ये धान की घास होती है नीचे से, ये सुखा के स्टोर करके रखते हैं हम लोग, ताकि ये बाद में, ये देखो आप देख सकते हो मम्मी यहाँ पे बांध रही है, ताकि बाद में नहीं हमारे जैसे जिस टाइम पे घास नहीं होती है, हरी घास नहीं होती, आजकल तो चारों तरफ हरा भरा हो रखा, तो जरूरत नहीं पड़ती घास की, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कुछ घास रहती है, तो उस टाइम पे हमें वाली घास देते हैं। तो मम्मी जब तक नीचे का बांध रही है, थोड़ा सा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। यहाँ देखो सारा गिरा दिया है, चिड़िया आते हैं आजकल यहाँ और सारा गिर के चल जाते हैं। क्या कर रहे मधुरवी, क्या कर रहे है? मम्मा मम्मा आ आ आ जा आ जा, मैं चलाऊं उसको, मैं चलाऊं, लो लो तो लो, ये देखो मम्मा, एक दिन तुझे ऐसे बिठा के ले जाऊंगा, प्लीज आप साफ कर मेरे रोंदों से।
दूसरे बच्चे। हाँ कल ध्रुवी को हल्का सा जुकाम लगा हुआ है तो उस चक्कर में वो फिसर 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 ज्यादा कर रहा है। बाकी अब तो ध्रुवी के लिए ध्रुवी के साथ कम से कम चार बंदे चाहिए तब जाके बच्चा संभलता है। अब चलने फिरने वाला हो गया ना थोड़ा सा तो अब ऐसा होता कि आंखें झपकते हैं वो एकदम से कहीं चला जाता है। देखो एकदम से खुश एकदम से दुखी। गंडू मेरा गंडूबी भी यार तो है ना गंडूबी भी है ना। चलो अपने आप में बिजी है वो उसको रहन देते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा जब तक मम्मी और घास वगैरह बांध रहे हैं तो राहुल तो सो रखे हैं उनको मैं उठा भी नहीं रही क्योंकि अब कुछ दिन रह गए हैं छुट्टी के थोड़ा आराम करने देते हैं उनको। बाकी इस छुट्टियों में तो ऐसे ही हो रहा था कि कभी आना हो रहा था कभी जाना कभी कुछ इस छुट्टियों में ना तो घूमना फिरना हुआ ना कुछ ऐसे ही हो गया बस। तो थोड़ा सा मैं छत की हालत सुधारती क्योंकि काफ़ी दिन से हम घर पे हैं भी नहीं तो इस चक्कर में छत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही बहुत ही ज़्यादा। कहीं चप्पल पड़े कहीं जूते पड़े कहीं सामान पड़ा कहीं कुछ तो उसको मैंने रखना है जो वो सामान वहाँ पर उसको स्टोर में रखना है मैंने। बाकी इस छत की थोड़ी सी हालत सुधारते हैं। अभी गिगती आ गई अभी गिगती आ गई कहाँ घूम रही है कहाँ घूम रही मैं गिगती हूँ। बाप रे वाह। तो चलो जब तक ये खेल रहा तब तक अपना काम निपटा देती हूँ। ऐसे ही होता है एकदम से पता भी नहीं चलता बारिश आने वाली होगी है। उधर चारों तरफ देखो कितना अंधेरा अंधेरा सा हो गया पर अभी तक बारिश पहुंची नहीं एकदम से डराया बारिश ने। और हम लोग इसलिए हड़बड़ी में काम कर रहे थे और अब मैं इधर वीक में चोटी वगैरह करूंगी। चोटी वगैरह नीट कर रखी इसने दिखाओ। हाँ यही है इसका तेल कहाँ डालो भाई ऐसे डाल दो आप यहाँ से अभी हम सो के उठे हैं तो और हमारा लल्ला मेरे को उठाने आ गया। अभी मैं तो सो रखा था मम्मा ने इसको भेजा कि जाओ पापा को उठा गया आइए क्षण हमको उठा के आ गया। बोला मम्मा चाय बना रही है तो ऑलमोस्ट हम कुछ इस प्रकार से रखा है नीचे चौक लीप रखा था हमने सफाई करके चौक की पूरी। तो यहाँ क्या होगी बारिश आ गई पूरी की पूरी क्या करें बारिश ने पूरा हमारा मम्मी पापा का काम खराब कर दिया। और अभी चलते हैं तारा मैडम के पास देखते हैं कि क्या कर रही है वो। हाँ जी हाँ। देवियों सज्जनों बोलो क्या कर रहे हो आपकी चाय बन रही चाय है? और मम्मी पापा भी आ गए हैं कहाँ से आ रहे आप लोग छन्नी से है यस। देखो मम्मी पापा का मेहनत उन्होंने पूरी खराब कर दी बारिश ने आज है ना है ना ये बस पूरा काम खराब कर दिया क्या बोला मतलब क्या बोला मम्मी की छोटी क्यों कही क्यों दिखता ही नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया ध्रुवी ने किया ध्रुवी आपने किया आपने क्या यार आपने क्या उल्टे काम भारी मिस्टेक हो गया हमसे बेचारे। अरे देखो ये अपना किसान अलग बन रहे हैं किसान तो गाइस मेरी चाय भी यहाँ पे बन रही है बनी चुकी मतलब थोड़ा सा खिटा रही हूँ बस बाकी सब तो अंदर चाय पी रहे हैं और मैं खा रही हूँ यहाँ पे ककड़ी। मम्मी ने मुझे बाद में बताया हमारे घर में ककड़ी थी तो मैं अपना ककड़ी एंजॉय करती हूँ क्योंकि ककड़ी के लिए मैं सबको छोड़ सकती हूँ यार चाय वाय सब कुछ। देख नहीं रहा इधर अकेले अकेले बागड़ो घूमने के लिए शर्म नहीं आ रही है ये गंज आ रहे हैं आंख नहीं देखो तुम पापा क्या करे मैंने नहीं किया ये तारा ने किया पापा आंख नहीं देख रहे पैर देखो पहले पापा किसके जो गंज रहेगा वो लिपेगा पहले पैर देखो आप कितने बड़े बड़े पैर हो
मेरे चप्पल तो देखो कितने छोटे छोटे से मासूम मासूम से। बाय वही तुम पर खा गए तो बस अभी आते हो ठीक है घास लेके नीचे से। बाय सोना स्माइल तो कर मम्मी और तुम ले जाना चलो आप भी आ रहे नीचे मम्मी बारिश आ गई मोल जो मिल जा। भाई सब हम थोड़ा सा घास के लिए जा रहे हैं और बारिश आ गई वैसे तो पर निकलते हैं घास के लिए थोड़ा सा। ओहो आज तारी ताई जी तो नहीं निकाल रही हैं। श्राद्ध है कल कल श्राद्ध कल अच्छा तभी क्या क्या सी है? अच्छा वो ये पकाना जो फोन पकाना लग गया। हम घास के लिए निकले थे उस टाइम पे भी बारिश लग गई थी और अभी फिर से ऐसा हो गया फिर से बारिश लग गई। चलो कोई बात नहीं भीगना ही हो जाएगा इसी चक्कर में घास के चक्कर में। आज मुझे फिर से बड़ोली लग रही है। आज मेरी मेरी मम्मी से बात नहीं हुई ना शायद वो याद कर रही मुझे। जाएगी तो फिर घर आएंगे हमारे यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत क्या है देखो खेत में जाने के लिए रास्ते देखो पहले आप कैसे रास्ते होते हैं ये देखो एक रास्ते ही मतलब रास्ते ही नहीं होते रास्ते क्या होते हैं देखो कुछ इस तरीके से ऐसे आना होता है और लोगों ने खुद ही बना रखे हैं अपने खेतों में खुद ही बना रखे हैं तो यहाँ पे तो चलना ही मुश्किल हो रखा है। मम्मी तो मेरे को मना कर रही थी आने के लिए अभी मम्मी कहती कल सवेरे नीचे वाले खेत में जाना मम्मी कहते कल सवेरे ले आना तो ऊपर से फिर मम्मी ने कल हॉस्पिटल जाना दादी को देखने के लिए तो मैंने कहा नहीं अभी साथ साथ में चल जाते हैं ना फिर सवेरे मैं एक काम करूँगी जब तक मम्मी और तैयार होंगे तब तक ले आऊँगी घास। बाकी आजकल तो खेतों में ही काफ़ी घास हो रखी है आप देख सकते हो पूरा घास नीचे को लटक रहा है। ऊपर वाली साड़ी में जाना था मैंने पर मम्मी कहते पहले एक तरफ से घास ख़त्म करेंगे हम यहाँ से नीचे आने में तो फटाफट आया जाता है इंसान लेकिन फिर सर में बोझ लेके मतलब घास वगैरह रख के फिर ऊपर को नहीं चढ़ा जाता चढ़ाई है ना ऊपर को बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वैसे भी नहीं चढ़ा जाता। चलो काटते हैं फटाफट घास। हाँ जी ये भी हवाई जाओ उनका भी ये भी ना मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़े। कभी कभार मैं भी सोचती हूँ ऐसा कि ये गांव पहाड़ के बीच में कैसे बसते होंगे बसे होंगे उस टाइम पे पहाड़ों के बीचों बीच में बस रखे हैं। भाई यहाँ से देखो बैक साइड से दिखाती हूँ जितना सुंदर यहाँ दिखने में लग रहा है ना उतना ही सुंदर यहाँ काम भी होते हैं। अच्छा खासा तो चलो फटाफट घास काटते हैं क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रखा है बारिश कभी भी आ सकती है तो बारिश होने से पहले हम लोगों को घर को भी निकलना है। वो देखो गाइस कुकड़े दिखाते हैं आपको जंगली कुकड़े ये देखो दिख रहे हैं इस फोन से साफ नहीं दिखता यार फिर भी वो देखो वो दिख रहे होंगे आपको ना वहाँ पे पहले के जमाने के लोग होते तो ये इनको मार के खा भी लेते लेकिन अब कोई ऐसा पकड़ता ही नहीं है जंगली कुकड़ों को बल्कि चार पांच वहाँ पे पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक मैंने यहाँ खरगोश घूमते हुए नहीं देखे बाकी सारे जानवर देखे मतलब खरगोश खेतों में घूमते हुए नहीं देखे। कई जगह बोलते हैं ना कि खरगोश भी घूमते हैं खेतों में जंगली खरगोश बट यहाँ नहीं देखे मैंने खरगोश। तो चलो काटते हैं घास। चलो मम्मी टॉफी खाओ टॉफी खा के घास काटो जल्दी 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 कट जाएगा। खाओ खाओ जैसे कल दादी ने बोला दादी को बोला मैंने ना मैंने कहा कैसे हो रहा दलिया कहते अहो इससे स्वाद दलिया मैंने आज तक देखा ही नहीं ऐसा कर इतना स्वादिष्ट करे आज तक देखा नहीं। आपको ब्लॉग दिखाऊंगी ठीक है शाम को तब देखना। उधर ही काट रही थी घास में थोड़ा इधर आ गई थी क्योंकि वहाँ घास बची नहीं थी मम्मी के लिए तो पूरा हो गया था घास लेकिन वहाँ थोड़ी झाड़ी बाड़ी थी तो मम्मा वो काटने लगी थी तब तक मैं इधर आ गई थी थोड़ा घास के लिए और तीन थोड़े मैंने यहाँ से भी काट ले। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते भी ना कि आप चंडीगढ़ में रह के घर का काम ये कैसे कर लेते हो क्या होता पता शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती जैसे ना तो धीरे धीरे आदमी खुद ब खुद
सब कुछ सीख जाता है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत चीजें ऐसी होती है जो शादी के बाद तुरंत ही चेंज हो जाती है, बल्कि कई लोगों को तो दूसरे दिन से ही चेंज हो जाती है, ऐसी चीजें हो जाती है। और ऊपर से मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी सासू माँ है जो वो मुझे प्यार 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 से सिखाती है, चाहे वो खाना बनाने से लेके हो। मुझे जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे सच में खाना बनाना भी नहीं आता था, झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों के सामने, मुझे नहीं आता था। मुझे रोटी जब मैं बेलती थी ना, मोटी रोटी बेलती थी मैं, एक रोटी बेलना आता था, ऐसा काम नहीं आता था। मतलब सब्जी वब्जी मैंने कभी बनाई नहीं थी इस तरीके से। मम्मी ने हर चीज़ मुझे प्यार से समझा समझा के सिखाई। और आज के टाइम पे ऐसा कि ऐसा कोई खाना नहीं शायद जो मैं बना नहीं सकती हूँ। और अगर मैं फ़ोन में एक बार देख लूँ, कुछ चीज़ पता भी ना हो ना, फ़ोन में देखूँ तो मुझे पता चल जाती। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले देखना पड़ता था नमक ज़्यादा हो गया कम हो गया। अब सब्जी का अंदाजा आ जाता है कि इतनी सब्जी में इतना नमक डालना है। और मम्मी ने कभी नहीं बोला मुझे कुछ भी। आपको पता होगा कि शादी के दूसरे दिन वो होती है, पहली रसोई होती है, जबकि दुल्हन को वो बनाने होता है, मीठा बनाना होता है। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि हलवा बना लेना। मैं कहा बोल तो दिया बना लूँगी। और मम्मी ने सब सामग्री वगैरह रख दी। हमारे यहाँ बनता है गुड़ का हलवा, अब मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने मम्मी को बता ही दिया, मैंने कहा यार मम्मी मेरे को बनाना नहीं आता। तो मम्मी ने मतलब ऐसा नहीं कि हाँ उसको बनाना नहीं आता, जैसे कई सास होती है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। मम्मी ने मेरे को बहुत प्यार से सिखाया। तो चलो बातें तो हमारी होती रहेंगी। बाकी मेरी घास यहाँ पे कट गई, ये मैं इधर से लेके आई थी और घास, बाकी मम्मी भी वहाँ पे हो गया। मम्मी तीन बिजाम ना हाथ कर देना ये घासल हाथ। तो आटा मैंने गूंद दिया यहाँ पे, बाकी मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर भी काट दिए हैं और शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ऊपर चढ़ा दिया मैंने आलू। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च भरे हुए, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। वैसे मम्मी के हाथ के खाए हुए हैं, लेकिन बनाऊंगी फर्स्ट टाइम अपने पति देव को खिलाने के लिए, क्योंकि जब ये ड्यूटी पे रहते हैं ना, मेरा काम होता है यहाँ से बोलना आपको ये भी खिलाऊंगी वो भी खिलाऊंगी। और कुछ नहीं खिलाया अभी तक मैडम, आज खिलाएंगे, आज खाएंगे हम नई डिश कुछ, देखते हैं कैसा बनता है। अगर बेकार बने को तो हमें अच्छा ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं है, तो बोलेंगे कि तुम्हारे लिए बनाया और तुम ही बुराई करो मेरे खाने की। तुम वैसे बोल रहे हो, मेरे को देखकर डरते होंगे बहुत ज्यादा है। डरने की बात नहीं, पर मन की बात मानना जरूरी है, इससे प्यार से बना रखा तो तारीफ करना जरूरी बनता भाई। तो यस आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ, और वो भी अब जाके मुझे याद आया, तब जाके जब छुट्टियां खत्म होने की बात आएगी। इस बार की छुट्टियों का पता नहीं चला ना, पता नहीं चला ना, फिर पहले देर दिन तभी प्रॉब्लम एंगेज हो गया था, हो गया ना वही। तो फिर ध्रुवी का पहले काम हो गया था, फिर कागज वगैरह का बोलने का मतलब ये है 5-6 महीने में। कभी मैं सोचती ना कहीं तो मैं देखती हूँ तीसरे महीने में हस्बैंड घर आ जाते, पता नहीं इनको कैसे मिल जाती है छुट्टी, और इनको तो दूर दूर तक पता नहीं मिलती नहीं छुट्टी। कभी कभी हो जाता है, हाँ कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं, सहन शक्ति होनी चाहिए। माइंड नहीं करना बस, कुछ सालों बचे बचे ज्यादा नहीं। बोल दो फिर वही 15 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करूंगा। बोलो मुझे बोलते हैं तारा मुझे रिटायर होने 15-17 साल में, उसके बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं तो मत करना, पहले अभी ध्यान से कर लो बस। तो मैं पता क्या, मैं बिस्तर में बैठ के ऑर्डर मारूंगा चाय जाओगे, मैं दौड़ी दौड़ी आऊंगी और आपको चाय दे दूंगी, है ना। आप नहीं लाओगे तो दूर भी है, और जो नेक्स्ट बेबी होगा वो लाएगा। आप नहीं लाओगे तो वो लाएंगे। नेक्स्ट बेबी कौन सी? नेक्स्ट बेबी, नेक्स्ट बेबी बच्चा पागल है। नेक्स्ट बेबी अच्छा। तो गाइस यहां पे आलू मैंने छील दिए हैं, और मैडम साहिबाना भी रोटी बना रहे हैं। और अब मैडम ने मेरे पर देख दिया टास्क की, बोला लौकी भी छिलो, बोला आप ही। तो मैंने कहा ठीक है, अब लौकी छिलेंगे इसके बाद। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, क्या बना रहे हम, ये क्या बना रहे हैं? भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी दिखाते हैं आपको, फिर कैसे बनते हैं। हाँ बना के दिखाएंगे सीधा, जो भी है बताना कि कैसा बना है, फिर अगर अच्छा बना हुआ तब रेसिपी शेयर करूंगी। ओके डन, ठीक है। तो गाइस ये भरना शुरू हो चुके हैं, तारा ने 3 भर दिए, अभी भर रहे हैं मसाला बना चुके हैं। खाने वाले कम ही ना, इसलिए कम ही बना रहे, फर्स्ट टाइम भी है तो थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, इसलिए कम ही बना रही, क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं आए तो वेस्ट हो जाएंगे हमारे शिमला मिर्च। अभी फिलहाल इसमें मैंने भर दिए हैं। गुड, अभी फिर ये तेल तैयार कर रहा हूं उसके लिए फ्राई करने के लिए। तेल है इसमें? हाँ, ये इसी का मसाला बनाया था ना इसमें। अच्छा, तो उसी का है, तो फिर मैं इसमें वो करूंगी क्या, जीरा। अच्छा, जीरा डाल के इसको स्टीम करना होता है हल्का। ओके, तो फिर आपको टेस्ट करके जब बन जाएगा उसको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बन रखा है।
दीदी के हाथों का जादू। हाँ उसको बताएंगे अनिल दीदी के हाथों का जादू। जादू अच्छा हुआ था हम एक वो खोल देंगे। क्या बस बस इतने बड़े बड़े सपने मत देखो तुम रेस्टोरेंट खोलने का। वो होगा उसमें होगा शिमला का शिमला ना, उसमें होगा उत्तराखंड का शिमला। ये क्या है? अब मैं नाम सोच रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन हूँ ना थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज हो रखी हूँ। ओके लिटिल बिट ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद। सोचूंगी तो बताऊंगी आपको, अपने कैफे खोलूंगी रेस्टोरेंट खोलूंगी जो भी खोलूंगी उसका नाम। ओके डन ठीक है। कैसी हो रही सब्जी? सूखी बनती है ना, टेस्ट बताओ ना फिर भी। टेस्ट ठीक है ठीक है, अच्छा नहीं है ठीक है। आपको तो ऐसे मिला मुझे पसंद नहीं है। अच्छा हो रहा है, अच्छा टेस्ट बढ़िया है लेकिन थोड़ा तरी वाला है। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा ना ग्रेवी वाली बनाऊंगी। ठीक है ग्रेवी वाली भी देखी मैंने, और मेरे हस्बैंड बताएंगे कैसे बन रखे। अच्छा ढंग से करो तारीफ। बहुत सुंदर ना, क्या तारीफ करूं। कहाँ है आपके हाथ? और ना तो फ्रिज में रख के जमा दिया जाए। तुम आज मैं फ्रिज में अब आप बताओ। अभी मैंने खाया नहीं। खाओ आराम से खाओ। और गाइस ये देखो, ये हमारी शादी के मेरे दुर्गी के बर्थडे के वो बचे हुए थे तो उस पतले में मैंने लिया है। ये मेरा शिमला मिर्च जो थोड़ा सा जल गया है, ठीक है इसको ज्यादा वो नहीं करना। बाकियों का शिमला मिर्च नहीं जलाया मैंने, सिर्फ अपना अपना जलाया। देखो तो यहाँ पे लेते हैं मंडवे की मिक्स रोटी और मस्त होगा, मस्त है। थैंक यू। तो चलो खाना स्टार्ट करते हैं। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, बस अब सोने के लिए आ गए थे। दुर्गी भी सो गए, उसके पापा भी सो रहे हैं। तो मैं उठी हुई थी, थोड़ा सा ब्लॉग का काम कर रही थी। और चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा थक लग जा रही। दिन भर ना कुछ ना भी करो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बॉडी ऐसा लग रहा कितनी थकान लग रही, बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय।